यिल्दिज़ तो बड़ी अपसेट रहती है करीम की वजह से, साथ में आमिर और कुंवर भी। मतलब कि उन दोनों का तो लव लाइफ का कुछ बन ही नहीं रहा। ज़ारा भी तो अपसेट है, कुंवर का और उसका तो कुछ बन जाना चाहिए। एनीवेज़, उन लोगों को अपसेट देख के आसमा उन्हें किसी बाबा के पास लेके जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद वो लोग काफ़ी अच्छा फील करते हैं, सिवाय यिल्दिज़ के। यानी उन दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी ऐसा लगने लगता है उन्हें। वहाँ से आलिया कुंवर को कॉल करके ऑफिस बुलाती है, तो आमिर और कुंवर ऑफिस जाते हैं। करीम और मर्द कोई फाइल देखते हैं जो शायद हालिद का भरोसा जीतने में उनकी हेल्प करेगा, और हालिद सही में उनकी तारीफ करने लगता है। आलिया अपने कैबिन में काया, अली और करीम, मतलब कि अपने बेटे करीम को बुलाती है, और काया के शर्त के मुताबिक अपने शेयर्स दे देती है, पर शाइका को नहीं, करीम और अली को। यानी काया को बस आलिया को शेयर्स से दूर रखना था, तो वही हुआ, इसलिए काया को कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो हालिद के कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। शाइका को हालुक खबर करता है कि आलिया शेयर्स के पेपर्स बनवा रही है, यानी शाइका सोचने लगती है कि उसके नाम शेयर्स करने वाली है आलिया। वो हालुक को कोई वॉइस एडिटर ढूंढने कहती है। वो करीम के कैबिन जाती है और अपने मोबाइल में रिकॉर्डर चालू करके करीम से पूछती है कि मैं मैनेजमेंट के लोगों को कहीं पे दावत देना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सब में करीम कुछ जवाब देता है जो मुझे लग रहा है शाइका एडिट करके अपने मुताबिक किसी दूसरे मौजू पे लगाने वाली है। बाद में हालू कहता है कि एडिटर ने काम कर दिया। शाइका घर आती है तो बातों बातों में काया और अली उसे बताते हैं कि आलिया ने शेयर्स अली और करीम के नाम कर दिया है। शाइका ब्लैंक हो जाती है ये सुन के, यानी उसे लगा था कि काया उसके शेयर्स उसे वापस करने के लिए इतना मचल रहा था, पर वो बस आलिया से शेयर्स छुड़वाना चाहता था, बेचारी शाइका। आमिर कुंवर का वेट करने लगता है, तो करीम आमिर को देख के उसको अपने कैबिन में ज़बरदस्ती ले जाता है। बाद में आमिर यिल्दिज़ को कॉल करके बहुत इसरार करके उसे अपने घर बुलाता है। मतलब समझ ही गए होंगे आप, यिल्दिज़ आमिर के घर आती है और वहाँ करीम भी आता है। आमिर के जाने के बाद करीम उसे सब क्लियर कर देता है, यानी वो और शाइका रिलेशन में नहीं है और ये सब यिल्दिज़ की अम्मी की वजह से ही हुआ है। यिल्दिज़ को गुस्सा तो आता है, पर दोनों में फिर प्यार का इजहार होता है। वो घर जाती है तो करीम उसे कॉल करता है और दोनों टीनेजर्स की तरह छिप छिप के बात करते हैं। दूसरी ओर शाइका और मार्ट एक पब में मिलते हैं और दोनों में हल्की सी फ्लर्ट होने लगती है, और वो फ्लर्ट धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बढ़ते बढ़ते आसमान पहुंच जाती है, और मुझे लगने लगा यहीं पे ये लोग शुरू हो जाएंगे। बट वो लोग अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले शाइका मार्ट को इशारा करती है उसके साथ आने का। यानी समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। सुबह यिल्दिज़ उठकर देखती है करीम ने उसके लिए ढेर सारा ब्रेकफास्ट भेजा है, क्योंकि यिल्दिज़ बहुत भूखड़ है ना, इसलिए वो प्यार जताने के लिए ये सब किया। यिल्दिज़ तो ब्लश करते करते लाल हो गई, बट हाँ अपनी अम्मी से नाराज़ भी है और उससे छिपाती भी है कि उसके और करीम के बीच कुछ चल रहा है। ये सीन बहुत फनी है। दूसरी तरफ शाइका और मर्ट की नींद खुलती है। मर्ट शाइका से कहता है कि ये बातें खुफिया ही रहनी चाहिए, यानी कि उन दोनों में जो भी है, वरना शाइका और करीम के अफेयर की बात झूठी हो जाएगी। शाइका कहती है कि मैं क्यों बताने लगी, मुझे किसी भी मर्द से लगाव नहीं होता। यानी वो कहना चाहती है कि रात गई बात गई, आज वो मर्द को भूल भी जाएगी, एक और बेवकूफ़ आदमी जो मेरा दीवाना बन जाएगा। दूसरी तरफ आलिया कुंवर से कहती है कि उसने एक्चुअल में अली और करीम के नाम अपने शेयर्स नहीं किए। कुंवर तो बहुत ही हैरान हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। तो आलिया कहती है कि मैंने अपना जान लगा दिया था ये शेयर्स पाने के लिए, मैं ये शेयर्स किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगी, और वैसे भी जो भी मेरा है वही मेरे बच्चों का भी है। यानी कि वो अपने बच्चों की खुशियों के ऊपर अपने शेयर्स को देखती है। जैसा कि मैंने कहा था, वैसा ही मैंने 3 कुर्तीज़ देखे हैं जो कि बहुत ही शानदार है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो इन 3 कुर्तियों की लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं।